एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आज लखनऊ में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कल बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें, लाठीचार्ज के खिलाफ धरना प्रदर्शन का प्लान तैयार कर लिया है बीजेपी ने। 2017 में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनावों से उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता अब लगातार यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसी के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विधानसभा के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके खिलाफ अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। जगह जगह इसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बीजेपी कल पूरे यूपी में धरना प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। बीजेपी के ये कार्यकर्ता प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की गई। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जोरदार पत्थरबाजी। लखनऊ में अखिलेश की पुलिस आज जैसे बेरहम हो गई। बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर पुलिस इस कदर टूट पड़ी कि जो जिस तरीके से दिखा उस पर वैसे ही लाठियां बरसाई गईं। ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ विधानसभा के बाहर देख रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा उग्र हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और एक एक कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके ऑफिस में घुसकर पुलिस मार रही है। ये लाइव तस्वीरें बीजेपी ऑफिस के बाहर की है। हालांकि यहाँ आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, ये लाइव पिटाई बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की है। पुलिस बेरहमी से निपीट रही है। बीजेपी के ये कार्यकर्ता प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अखिलेश की पुलिस को ये नागवार गुजरा। इन्हें हटाने के लिए पुलिस ने पहले लाठियां चलाई, फिर आंसू गैस के गोले दागे। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं कि खून इनके कुर्ते पर, इसके अलावा जो जुधू धुआं देख रहे हैं, ये आंसू गैस का गोला जो छोड़ा गया है उसका धुआं है, जिसकी वजह से बोलना भी मुश्किल हो रहा है। पुलिस कार्रवाई से तमतमाए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और पुलिस पर ईंटें बरसाई। पत्थर आना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं सड़क पर यह हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अब पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस के इस बल प्रयोग में बीजेपी के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। 50 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, जो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष समेत विभिन्न लोग घायल हैं। बिजली और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद घंटों यूं ही हंगामा चलता रहा। विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज़।